system. थैंक यू भैया। सारा सामान रखना पड़ता है। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। अभी फ्लाइट में टाइम है, वहाँ बैठ के बातचीत करते हैं। मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, मतलब अपने को ज़रूरी काम है थोड़ा सा, और उसके बाद वहाँ पे इस्कॉन में दर्शन भी करवाऊँगा मैं। मतलब मेरे लिए बड़ी सैड है, मैं अपना लैपटॉप लेके आना भूल गया बस जल्दबाजी में ना छोड़ आया। मैं वैसे रील्स डाल दूँगा अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रील्स डाल दिया करूँगा इंस्टाग्राम पर, शेयर कर दूँगा रील्स। ये मेरा सारा इंस्टाग्राम का लिंक है, ये इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इसको फॉलो कर लेना। रील्स तो जिसमें जो देखेगा रील्स वगैरह चलती रहेंगी, रील्स नहीं स्टोरीज। और आजकल मैंने स्नैपचैट भी ज्वाइन किया है, उसमें मैं पंगे वगैरह ले लेता हूँ, उसमें भी चलती रहेगी अपनी, जो भी बोलते हैं स्टोरी बोलते हैं रील्स बोलते हैं, मुझे नहीं पता जो भी बोलते, बस चलता रहेगा उसमें। तो ठीक है, चेक इन करते हैं। ठीक है दोस्तों, भाई क्या एयरपोर्ट है यार, कहीं पानी की बोतल नहीं मिली। कह रहे बस अभी ख़त्म हुई है, तीन शॉप पे पूछ लिया मैंने कहीं पानी की बोतल नहीं, फिर आखिर में तुम लोग उठाना पड़ा मेरे को। बट एक मैम थी, मैं क्या तुम ही पिला दो मैम पानी की बोतल, तुम दे दो पानी, उन्हीं का पानी पी के आया हूँ मैं। बट फिर भी एक बैकअप उठा लिया। चलो भैया, पीतमपुरा। यहाँ से आते ही पहले ही बैठ दो, लेग स्पेस मिल गई अपने को। ऊपर देख रहे थे ना, व्हाइट व्हाइट ये बादल नहीं है, ये प्योरिटी है, प्योरिटी। अपना एंटरटेनमेंट पता कैसे हो रहा है ऐसे, थोड़ी जी कोक पाइयो, थोड़ी जी तो कोक पियो। चीयर्स। और देखो बादल देखो नीचे, जैसे रोड पे चल रहा था ना खड़खड़ खड़खड़ करके, वैसे ही उड़ता हुआ भी चल रहा है कि सस्पेंशन सच में ठीक नहीं है भाई, बहुत झूले झूला रहा है, शॉकर चेंज होंगे भाई। पानी मांग रहा, पानी के लिए अभी तक। और एक और चीज़ बताऊँ, किसी के ना कान बंद हो जाए अगर फ्लाइट में, बंद हो जाते हैं मोस्टली कान, अगर कान बंद हो जाते हैं ना तो बेस्ट तरीका पता क्या है, चिंगम को चबाने का बेस्ट तरीका है, चिंगम को चबाओ एंड कान खुल जाते हैं। पूरा फुल करवाया, फिर भी कंजूसी करके मैडम इतना कर दिया, बताओ कि जैन मिल है ना, सॉस तक नहीं दे रहा, फिक्की दे दी। यहाँ पर भी सही आ रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं, मैं इसलिए तो आ गया, मैं खड़े होकर थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, सोच रहा हूँ कहाँ पे आऊँ भाई काम बनाने के लिए वीडियो। 200 किलोमीटर लगे हैं, से पेटी खुल नहीं रही, जब मेरी फंसी पड़ी है यार, अब खुली। खतरनाक फ्लाइट थी ये, सबसे खतरनाक। अच्छे पहुंचे, अच्छे पहुंच गए, अच्छे ऐसे बोलते हैं, छः लगा के टीम की मान्यता भाई। दिल्ली से बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, अपा अपा काजू भी चक लिए थे भाई बकायदा।
होटल में पहुंच गए हैं, अंदर चलते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर निकलते हैं। ये कह रहे चलो आगे, मगर ना भाई व्लॉगिंग ऐसे कैसे ऐसे दिखाएंगे एंट्री। चलो यहाँ से है भाई व्यू कुछ ऐसा। तो भाई मैं सो के फ्रेश हो के रेडी हो गया हूँ, कहाँ जाने के लिए वो मैं आपको भी बताता हूँ। कहाँ जाने के लिए रेडी हूँ मैं, जा रहा हूँ इस्कॉन। अभी दिखाता हूँ आपको इस्कॉन कितनी दूरी पे है, बिल्कुल पास में है। ये जैसे सामने दिख रहा ना आपको ये वाला व्यू, अब ये तो मैं भी दिख रहा हूँ यार, लाइट इतनी आ रही है। वो देखो वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली शिवालिक, इसके बिल्कुल उस साइड है, मतलब उस रोड क्रॉस करके उसी साइड है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से उतरूँ मैं पैदल 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 निकल के, वहाँ से क्रॉस करके वहाँ पहुँच जाऊँगा, है ना। मैं भी दर्शन करता हूँ और आप भी दर्शन कर लेना भाई। होटल का एम्बियंस तो देखो यार, अभी हम 8th फ्लोर पे हैं, तो नीचे जाके मुझे वैसे तो पता है, मैंने मैप में देखा था इस्कॉन बिल्कुल पास है। मैं विद्यानगर के इस्कॉन में आया हूँ गुजरात में, लेकिन अहमदाबाद नहीं आया मैं कभी इस्कॉन में, तो यार ऐसा हो नहीं सकता मैं यहाँ पे आऊँ और इस्कॉन में ना जाऊँ। तो पीछे देख रहे हो वो अपना होटल है वो वाला, और इस साइड मेरे को जाना है। तो चलो पैदल पैदल चल रहे हैं, 10 मिनट का रास्ता है, पहुँच जाएंगे। एंट्री कर रही थी वहाँ से, एंट्री है और श्री श्री राधा गोविंद धाम इस्कॉन टेम्पल। परिक्रमा मार्ग तैयारियां हो रही है जन्माष्टमी की, तो इसलिए राह दिखा नहीं पाया मैं, ये परिक्रमा के बाद। कितना प्यारा बनाया यार। चलो भाई अब निकलते हैं, प्रसाद भी ले लिया और जन्माष्टमी की दबा के तैयारियां चल रही हैं यार। क्या डेकोरेशन थी ना साइड में, जबरदस्त। ये भाई नाइट व्यू, अभी दिखेगा नहीं, एक मिनट इसको ऐसे देखो, ये देखो ये नाइट व्यू है यहाँ का, तो सही लग रहा है ना। हम निकले हैं बाहर थोड़ा घूमने के लिए कि कैसी होती है नाइट लाइफ अहमदाबाद की। होटल वाले भैया मिल गए थे, उनके साथ ही बैठ गए। हाँ ये आ गए इस्कॉन। भाई घूमते घूमते आए रात को, टाइम इतना हो रहा है 12 बज रहे हैं भाई की दुकान खुली थी। और ये भाई नाम क्या है इसका, सिंगोड़ा पान, मीठा पानी है एक तरह से। थैंक यू भैया, बढ़िया पहुंच गए चंद, बढ़िया लगा भाई घूम के वो अपना रूम में पूरा। तो भाई बस आ गए हैं रूम में, थके बड़े हैं, नींद आ रही है बहुत ज्यादा, तो ठीक है रेस्ट करते हैं अपने यहाँ दर्शन की राधा माधव जी के। कल का देखते हैं दिन कैसा जाएगा, बने रहना वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, और लाइक करो शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय, हरे कृष्ण।